हराम जो होता है ना वो उगलना ही पड़ता है, जो भी हराम खाएगा वो उगलेगा एक टाइम पे। ये जहन में डाल लें, क्योंकि ये एक मतलब दुनिया का रूल है ना जी। हराम हराम जो होता है ना वो कभी भी नहीं पचता, ठीक है। अच्छा इसमें ना एक गिद्ध है, गिद्ध एक जानवर है, वो उसकी नीयत जो है ना नीयत नहीं भरती, ठीक है। अच्छा गिद्ध क्या करती है, मुर्दार खाती है, थोड़ी देर उधर जाती है, अपना पिछला उगलती है, फिर दोबारा खाती है। ये उसकी खासियत है, उसने खा के दोबारा उगलना है फिर खाना है, वो मुर्दार खाती है। तो इसमें दो लेसन है हमारे पास। एक तो ये है कि अगर आप अपनी नीयत नहीं भर सकते ना, तो फिर आपकी आपका पेट कोई भी नहीं भर सकता, वो फिर पेट नहीं भरना आपका, क्योंकि नीयत नहीं भर रही। नीयत भरेगी तो पेट भर जाएगा खुद ब खुद, ये कनेक्टेड है बात। दूसरा इससे कि हराम जो होता है ना वो उगलना ही पड़ता, जो भी हराम खाएगा वो उगलेगा एक टाइम पर। ये जहन में डाल लें, क्योंकि ये एक मतलब दुनिया का रूल है और इसमें ये चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। ये जहन में डाल लें। चले जी, थैंक यू।